हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया, चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड ही है, बट एक एक प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम वैसे ही डिफाइन करते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किए थे, या बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टर्म आता है, ओके। और उसके बाद हम सोलेनाइड एज ए बार मैग्नेट, मतलब एक सोलेनाइड को हम बार मैग्नेट की तरह क्यों ट्रीट कर सकते हैं, या कैसे उसको एक सिमिलर है सोलेनाइड बार मैग्नेट के, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं किसे। तो देखो, एक इमेजिनरी कर्व है जिसमें यूनिट नॉर्थ पोल रख देते हैं। देखो इधर, इट इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच इफ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड देन इट मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था, जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, जब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, तब वो उस कर्व के अलोंग मूव करने लग जाता है। दैट कर्व इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी कर्व। क्या हमें बातें समझ में आई? तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी कर्व, जिस पर अगर यूनिट नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या हमें बातें समझ में आ रही इतनी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच इफ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड देन इट मूव्स अलोंग द कर्व, तब ये कर्व के अलोंग क्या होने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। मान लो, सपोज करो ये कर्व है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। और इस पर नॉर्थ पोल हमने रख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, जिसका पोल स्ट्रेंथ, जिस नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर हो। नहीं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताइए आपको, एम्पियर मीटर। तो हमें पढ़ना है, इस पर रखेंगे तो आप ये इसके अलोंग मूव करेगा, तो ये ऐसे इसके अलोंग मूव करने की टेंडेंसी होगी इसकी, ओके। लेकिन अगर टेंजेंशियल है ऐसे है तो यहाँ पर ये आगे भी निकल जाएगा, ठीक है, समझ में। तो ये अगर फ्री है, स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए, तब वो करेगा, ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट और लगाते हैं, इफ इट इज फ्री टू डू सो, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जिग जैग पाथ, ऐसे ऐसे तो होता भी नहीं फील्ड लाइंस का। अब यहाँ पर जो फील्ड लाइंस ऐसे है, मान लीजिए कर्व है, तो ये जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा, ठीक है, तो वो डायरेक्शन के अलोंग ही तो नॉर्थ पोल मूव करेगा, ठीक है, मैं बात समझ में आ रही है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज लिख रखा है, इसके बाद हम तीन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वैसे तो बहुत सारे लिख सकते हैं, 9 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपन ने, ठीक है, तो वैसे लिख सकते हैं, बट ये है जो इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज लूप, बस ये चीज तुमको समझना है, बाकी सेम एज इट इज, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, क्लोज लूप बनाता है। देखो, जो ये जो है ना, मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां आ रहा है, अब यहां से साउथ से फिर क्या आएगा, नॉर्थ की तरफ ऐसे। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब एयर में नॉर्थ से साउथ जाता है, लेकिन अंदर में क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फील्ड लाइन ऐसे लीजिए, यहां से ये मान लीजिए ये पोल स्ट्रेंथ है ऐसा है, इसके यहां से ओरिजिन होता है ऐसे ही यहां पर भी, ठीक है, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, मतलब एयर में तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है और अंदर इंटीरियर टू द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ है। क्या हमें बात समझ में आ रही है? ये सेम ऐसे ही जैसे करंट का फ्लो ना, जब किसी सेल को लगा देते हैं सर्किट में, तो आउटसाइड जो होता है सेल के बाहर, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव होता है, लेकिन अंदर में सेल के अंदर जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो यही है इसका क्लोज लूप बनाने का फंडा। अब चलिए सेकेंड पॉइंट पर आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी अपने आप को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करें तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा, एक B1 है एक B2 है, मतलब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हो गए, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो ये तो अलग अलग डायरेक्शन हो गया, तो विच इज नॉट पॉसिबल, दो जगह दो पॉइंट पर, मतलब दो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकते। ठीक है, लिख रखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज एट वन पॉइंट देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं बात समझ में आ रही है? इतने क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, यही होगा ना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी यही पढ़ा है कि एक पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर एक एक पॉइंट पर दो डिफरेंट हो गए हैं तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही हो गया ना वेक्टर का, वैनिश। वेक्टर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो मैं एक पॉइंट पर ये भी दो दो हो गए। क्या मैं बातें इतनी समझ में आ रही है? तो यही चीज है वन एंड टू। अब हम दूसरा तीसरा भी लिखते हैं, इसको समझते हैं कि करके बातें को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है प्रॉपर्टीज, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सेम सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। समझ में आ रही बात है? मतलब एक ऐसे मैग्नेट है यहाँ पर, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये सेम सरफेस से ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ और यहीं पर परपेंडिकुलर, और यहां से एंड भी होगा ऐसे ही, एक सरफेस से आएगा स्टार्ट होगा और एंड भी ऐसे नॉर्मली ही आएगा, इंटीरियर जो आएगा उसी को एंड बोला जा रहा है। ऐसे तो क्लोज लूप है इसका, कोई एंड नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एयर की बात करें तो एंड तो यही हो रहा है, लेकिन सरफेस से जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर निकलेगा, तो ऐसे टेढ़ा तो नहीं बनाना, थोड़ा सा कर्व कर लेना। ठीक है, वो जब अक्सर बनाते हैं तो ऐसे ही बन जाता है, बट ये है परपेंडिकुलर को शो करने के लिए, ये ऐसे है। ठीक है, क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ओके, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लो, कि तुम ये कहना चाह रहे हो स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सेम सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, तो ये इसका मतलब यहां पर ये लिया जा रहा है कि एक ही मैग्नेट की केस में, अगर दो मैग्नेट हो, ठीक है, मान लो यहां पर मैग्नेट ये है नॉर्थ एंड साउथ, और ये एक यहां पर मैग्नेट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां नॉर्थ है और ये साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर अट्रैक्शन शो करेगा आपस में, तो ये क्या होगा, इधर से खींचेगा इसका फील्ड लाइंस इसके पास जाएगा, दोनों में खिंचाव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कुछ फील्ड लाइंस तो यहां भी आ रहे हैं ना, यहाँ की केस ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी आ रहा है, और ये ऐसे आएगा फिर ऐसे करके पूरा चेन बनेगा इधर, तो दूसरे की केस में तो दूसरे से गया ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये चूंकि सर्कुलर क्लोज लूप बनाता है तो रिटर्न होके इस सेम मैग्नेट पर तो आएगा ही। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो जितना फील्ड लाइंस निकलेगा उतना फील्ड लाइंस तो आना ही आना है रिटर्न। ठीक है, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा, लेकिन जितने फील्ड लाइंस एक मैग्नेटिक मैग्नेट से निकलेंगे उतने सारे फील्ड लाइंस तो आएंगे ही रिटर्न बैक से। क्या मैं बातें समझ में आ रही इतनी? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ओके, मैं यहां समझाना ये चाह रहा था कि तुम कंफ्यूज ना हो कि एक मैग्नेटिक केस में तो ऐसा हो जाएगा, दो मैग्नेटिक केस में क्या होगा, दो मैग्नेटिक केस में भी ऐसा ही होगा। अब यहां से कुछ फील्ड लाइंस इधर जा रहे हैं तो ये सब आकर के फिर क्लोज लूप बनाएंगे ना, तो यहां मतलब जितने फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से सेकेंड वाले मैग्नेट से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, उतना तो आपके मिलेगा ही। ठीक है, तो ये तो क्लोज लूप बनाएगा। समझ में आ रही बातें इतनी? तो पहला सेंटेंस तुम्हारा क्लियर हो गया, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सेम सर्फेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। ओके, दूसरा ए फोर्थ नंबर पॉइंट है, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड साइड वाइज। इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे अगर मान लो तुम यहां पर एक नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है और एक यहां है जिसका साउथ है। ठीक है, इधर इस साइड होगा इसका नॉर्थ। ओके, अब ये जो नॉर्थ पोल है यहां से जितने फील्ड लाइंस जाएंगे इसमें ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या शो कर रहा है, कंट्रैक्शन आपस में। और अगर मान लो तुम यहां पर नॉर्थ है, यहीं पर ये नॉर्थ पोल है, मैंने सिर्फ नॉर्थ पोल को भी कंसिडर किया, साउथ पोल भी बना सकते हैं,
और यहां पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो कंफ्यूज। अच्छा चलो कोई नहीं, अगर तुम ज्यादा कंफ्यूज होता है तो एक काम करते हैं, पूरा मैग्नेट बना लो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये भी मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब देखो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ऐसे, ये ऐसे, सॉरी ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है इन एयर, ये ऐसे, मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। तो ये दिस एक्सपेंशन सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू रिपेल विथ सिमिलर पोल स्ट्रेंथ, मतलब ये एक्सपेंशन शो करता है, बताता है कि सिमिलर पोल अगर रहे, नॉर्थ नॉर्थ है तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल एंड रिपल्सिव बिटवीन द सिमिलर पोल, ये एक्सपेंशन ये बताता है कि सिमिलर पोल के बीच इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। समझ में आई बात है इतनी? और ये जो कंट्रैक्शन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का, चलो इधर भी बना ही लो ये, ठीक है, ये नॉर्थ है और यहाँ से ये क्या है, साउथ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये जो क्वेश्चन, ये फील्ड लाइन तो कंट्रैक्ट ही हो रहा है, यहाँ एक्सपेंड हो रहा है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पॉइंट है। और फिफ्थ नंबर में क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मतलब रिलेटिव क्लोजनेस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स, वो पोल्स पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। अब इस चीज को समझना है ना, तो एक काम करो, इसको रफ करो, मैं और समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों ये है, मान लीजिए मैग्नेट, ठीक है, ओके, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ बताता है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास पास है, ये चीज बताता है। तो अगर मान लो यहां से ये तुम, मान लो यहां से फील्ड लाइंस तुम निकालते हो, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जाकर के ऐसे जाएगा, क्या मैं बात समझ में आ रही है, और यही चीज इस तरह से ऐसे आएगा, यहां से ये है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये इस तरह जाएगा, क्या मैं बातें समझ में आ रही है। ये फील्ड लाइन देखे, ये ऐसे है, यहां से नॉर्थ पोल से निकल रहा है और ये साउथ पोल में जा रहा है इस तरह से। फिर हम देखें यहां से, तो ये इस तरह से, यहां से नॉर्थ से निकल रहा है, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये जो है ना, ये जहां पर तुम देखोगे इस पर्टिकुलर पोल्स के पास, इस पोल्स के पास जो क्लोजनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, यहां पर पास पास है, जबकि यहां देखे क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पास पास है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमने पास बना रखा है इस तरह से, ओके, ऐसे है, ऐसे है, इस तरह से, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज क्लोज है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में है और क्यू पर दूर दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी विल बी मैक्सिमम, पी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर देन एट क्यू, पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन क्यू। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है, ओके। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, फाइव प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी अब और भी आप अपना मन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने बताया था उसको कर सकते हैं, लेकिन ये मेन एक ही प्रॉपर्टी है इसका मेन जो पूछा जाता है, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पहला तो ये कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, यस इट फॉर्म्स ए क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, उसका डीप एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे एक बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों कंजर्वेटिव नहीं होता और नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसके थोड़े से डीप में घुसना पड़ेगा कि ये, मतलब बी डॉट डी एल की वैल्यू जो होती है इंटीग्रेट करके जीरो आता है उसको करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आपके लेवल में इतना जान लो कि ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, उतना पूछता भी नहीं है, एक क्लोज लूप बनाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नहीं बनाता है, यही पूछता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। अब आगे हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड एट ए एज ए बार मैग्नेट, ठीक है, सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट।
प्यारे बच्चों, एक करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, तुमको बताया था किसी भी करंट कैरिंग कॉइल जो होगा उसका वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो तुमको ये भी बताया था जैसे एंटी क्लॉकवाइज ये फ्लो हो रहा है ना करंट, तो इसका फ्रंट फेस क्या बनेगा, नॉर्थ, और पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो ये नॉर्थ है तो पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, साउथ। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो साउथ होगा, और साउथ नॉर्थ है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो ये डायपोल मोमेंट किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो ये डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहां पर शॉर्ट में यही मैग्नेटिक ही पढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल ही तो होगा, और क्या होगा नहीं। तो डायपोल मोमेंट एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना करंट की इंटेंसिटी हो, करंट जितना होगा उसी रेशियो में एम की वैल्यू होगी, या एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, जितना एरिया होगा उतना की। क्या हमें समझ में आ रही बात है? तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग एक ही कॉइल है, मतलब एक ही टर्न है, ठीक है। तो एक ही टर्न में तो यही है, एक करंट फ्लो होगा और ये एरिया रहेगा। तो कंबाइनिंग एबव इक्वेशन, जैसे ही ऊपर वाले इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आई इन टू ए के। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो एम इक्वल टू क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो के इन टू आई ए इन टू ए। ओके, अब ये के जो है यूनिट डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। एम यूनिटी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आई भी वन है और एरिया भी वन है। वन क्या है, एम्पियर, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगा, वन। ठीक है, यहां पर लिख लो, फॉर यूनिट डाइपोल मोमेंट। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वन वन क्यों लेते हैं? ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की यूनिट क्या हो जाए, समान हो जाए, या डायमेंशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये के वन अगर लेंगे, ये यूनिट है, ये 1 एम्पियर है, 1 ये होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो पढ़ा ही है। तो ये क्या हो जाए, के इक्वल टू 1 होगा, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इन टू ए। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इन टू आई ए, या ईना इसको बोलते हैं। एम इक्वल टू क्या लिखोगे, आई एन ए, ये तुम पहले से जानते हो इसको, ठीक है। अब ना इसी टर्न्स को मिला करके अगर एन टर्न्स मिला देते हैं तो क्या बनता है, सोलेनाइड बनता है। तो अभी सीखेंगे कि एक सोलेनाइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, ठीक है, इसी चीज को समझेंगे। इसको रफ करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट, ठीक है। तो पहले तो सिमिलरिटी देख लेते हैं, उसके बाद डिसिमिलरिटी अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार सिमिलरिटी अगर समझ में आ गया तो देखिए कैसे, आपको अभी बताया है किसी एक टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो एन टर्न्स के कारण तो होगा ही मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक टर्न्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉजिस करता है तो ऑफ कोर्स एन टर्न्स भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉजिस करेगा। और ये सोलेनाइड क्या है, एन टर्न्स से मिलकर तो बना हुआ है, जैसे ये जो है ना एक टर्न्स है, ठीक है, एक टर्न है, और एक एक टर्न्स मिलकर के ही तो सोलेनाइड बनता है, नहीं। तो इसी तरह से एक टर्न को, एक टर्न के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड का हो गया, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पर जो आएगा सोलेनाइड के एक्सिस पर, वही बार मैग्नेट के अगर इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि दैट सोलेनाइड इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट। समझ में आई बात है? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रही, ओके, और यहां पर किससे, बार मैग्नेट से, तो इसका मतलब ये दोनों का नेचर क्या है, सेम है, ठीक है।
और भी चीजें तुम कर सकते हो, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्ड इंटेंसिटी होगा। जैसे ये जो कॉयल है ना, ये अंदर है, तो इस तरह से देखोगे ना तो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है। और इसमें ये जो बनाया हुआ है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया हुआ है, इस तरह से है, सर्कुलर नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये अंदर है कॉयल, अगर तुम देखोगे ना कॉयल के ऐसे लोगे तो ये डायरेक्शन जो आएगा, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो ऐसे ये वाला टर्न्स है ना। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, इस तरह से। तो ऑफकोर्स एम्पियर्स राइट हैंड रूल से ये जो फेस बनेगा नॉर्थ, तो इसका भी यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका एक्सिस पर। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ क्या, इतना होता है किसी एक टर्न्स के मैग्नेटिक फील्ड सिंगल टर्न्स के कारण जो होता है, ये हमने लिख रखा है। ये आपका बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन नंबर है, लास्ट वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4π2πa² I / a² r² 3/2। ए क्या है यहाँ, रेडियस ऑफ द कॉयल, इस कॉयल का रेडियस है। तो फॉर एंड, अगर मान लो एक तो कर लो, फॉर आर इज ग्रेटर देन ए से बड़ा है, ठीक है, रेडियस जो है ना इस कॉयल के रेडियस से इसका जो लेंथ है एक्सियल लेंथ वो बहुत बड़ा है, तो बी एट एक्सियल जो होगा वो जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π × 2πa² I / इसको करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, आर क्यू। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देख इसको कर, म्यू नॉट अपॉन 4π, यहाँ पर πa² रे इसका सर्कल है और इसका रेडियस आर है, ये ए है, ठीक है। तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, a = πa² रेडियस का स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही है ना, तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो यहां पर क्या लिख दे बता मुझे, 2a (I) / r³। कुछ बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो अगर मान लो फॉर एन टर्न्स, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, बी एक्सियल जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π × 2nIa, ओके, nIa / r³। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखो किसी बात एक किसके लिए है, फॉर सोलेनाइड, ठीक है, n कॉइल से मिलकर के तो सोलेनाइड बना हुआ है, ठीक है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर P एक्सिस है, तो उस एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तुमको, इसको मैं रफ कर देता हूं, मैं कल ही बताया हूं इसको, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर जो है P पॉइंट है यहां एक्सियल पॉइंट, म्यू नॉट अपॉन 4π × 2m / r³, ये बार मैग्नेट के कारण पढ़ा हुआ है। तो इसको, इस इक्वेशन को, ये तो सेकेंड है बार मैग्नेट का कारण है, फॉर बार मैग्नेट, ओके। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? अब इस इक्वेशन को अगर तुम मैनिपुलेट करोगे, INA, ये दिख रहा है INA, ये किसके इक्वल है, मैग्नेटिक मोमेंट के, अभी तो पढ़े। तो ये जो है ना बी एक्सियल, अगर देखोगे किसके, फॉर सोलेनॉइड, तो ये कितना हो जाएगा एक्सिस पर, म्यू नॉट अपॉन 4π × 2m / r³। ये दोनों इक्वेशन जो है, बोथ इक्वेशंस, ये थ्री लिख लो, ठीक है, टू एंड थ्री इक्वेशंस आर सिमिलर। इसका मतलब है हेयर टू एंड थ्री इक्वेशंस आर सिमिलर, इट मीन्स वी कैन यूज सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट की तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें ये तो समझ में आ गया होगा तुमको, पॉइंट से बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां से तुम ब्रेक कर दो, इसको तोड़ दो, यहां से सॉलिड किसको, मैग्नेट को, और यहां से सोलेनॉइड को भी हटा दो, यहां से कट कर दो, ठीक है। सर करंट कैसे जाएगा,
करंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी तुमको, अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो ये तुमको दिखेगा सेम ही रहता है, ये नॉर्थ यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, नहीं करंट तो ऐसे ही तुम फ्लो कराओगे ना जिस डायरेक्शन में ऐसे है, इधर से फ्लो हो रहा है, ऐसे क्या है इधर से फ्लो हो रहा है। तो ये जो है ना, ये टुकड़ों में टूट टूट के भी ये क्या बन रहा है, सोलेनाइड भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। ओके, इसमें भी यहाँ से नॉर्थ से ऐसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ सोलेनाइड के केस में भी क्या होगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगे। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हमें समझाना ये था कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समान ही होंगे, इक्वल ही नेचर सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो इसलिए वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। या फिर छोटे छोटे क्वाइल्स, अगर छोटे छोटे मैग्नेट में तोड़ दिया जाए इस बार मैग्नेट को, तो ये भी छोटे एक एक क्वाइल्स भी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही बता रहे हैं, मतलब मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं एक एक क्वाइल्स। ओके, तो इसलिए ये बार मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, या सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सोलेनॉइड और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू विल बढ़ा सकते हैं अपने इच्छा से, क्योंकि करंट की वैल्यू अगर तुम बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन बार मैग्नेट का ऐसा नहीं कर सकते, बार मैग्नेट तो बना है, मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो जितना है उतना ही रहेगा, परमानेंट मैग्नेट है ये जो है ना, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। करंट अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए, जहां पर स्विच ऑफ कर देंगे हम, तो करंट क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो जाएगा। तो जहां हमको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वहां पर ये नहीं काम आएगा। यहाँ पर वहां पर किसको लेना पड़ेगा, बार मैग्नेट को, हमेशा करंट थोड़ी ना फ्लो कराते रहेंगे, कभी ना कभी करंट तो कटेगा ही। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्पोररी मैग्नेट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू विल बढ़ा सकते हैं, इसका नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इसको आपसे पूछा जाता है, आप इसको लिखेंगे, और ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये कि अगर मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़े जाए, तो एक क्वाइल भी जो है ना छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। एक क्वाइल जो है ना, एक क्वाइल मैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है या उसके जो एक्सप्रेशन है, दैट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, दैट्स व्हाई ए सोलेनॉइड इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये दो दो पॉइंट आप सिमिलरिटी लिख सकते हैं, दो डिसिमिलरिटी लिख सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। ओके, मिलते हैं कुछ नए जोरदार टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।